Good morning student, welcome back to your class. So today we are going to start our second periodic syllabus. Second periodic syllabus आपका moral science का कौन कौन सा chapter रहेगा, black book ले सकते हैं, मैंने mention किया है. Lesson 7, be kind to animals. Lesson 8, plan for life. And lesson 9, God is one. ये तीन chapter आपके second periodic exam में आने वाले हैं. So today we are going to start our lesson 7, which is be kind to animals. I hope सबने अच्छा किया होगा अपने एग्जाम में और अच्छे मार्क्स सिक्योर किए होंगे. So today we are going to start our lesson 7, be kind to animal. Be kind to animal का मतलब क्या होता है? मतलब कि हमेशा जैसे हम लोग इंसान के साथ बहुत पोलाइट वे में हम लोग ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, उसी तरीके से हमें एनिमल्स को भी उतने ही प्यार से, उतने ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए उनके साथ. सो प्लीज टेक आउट योर एमएससी बुक एंड ओपन लेसन 7, बी काइंड टू एनिमल. आपको हम हर एक पैराग्राफ आपको रीड करेंगे इंग्लिश में, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. यू सी एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, काउ, पिग्स, गोट्स अराउंड यू. आप अपने अगल बगल ढेर सारे एनिमल्स देखते हो, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर्स, ज़ेब्रास आर सीन इन जू और इन फॉरेस्ट. और कुछ एनिमल्स आप जू में देखते हो या फॉरेस्ट में देखते हो, क्योंकि वो जानवर ऐसे फॉरेस्ट में, जू में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं. और जो एनिमल्स हम अगल बगल देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, विच वी कैन मेक देम टू स्टे इन अवर होम एंड वी कैन टेक केयर ऑफ इट. एंड द एनिमल्स विच वी सी इन द जू और इन द फॉरेस्ट, दे आर वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल लाइक काउ, गोट, बफेलो गिव मिल्क, हेंस एंड डक्स गिव एग्स. अब देखिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो तरह तरह की चीज, अगर हम उनका केयर भी करते हैं तो उनको तरह तरह की चीजें हमको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम काउ, गोट और बफेलो का केयर कर रहे हैं तो हमसे क्या मिल, हमको क्या देते हैं? मिल्क देते हैं. हैन का अगर केयर करते हैं, हैन डक का क्या देते हैं? एग देते हैं. ऑक्स आर यूज टू प्लव द फील्ड. और ऑक्स का क्या यूज करते हैं? और जब हम लोग स्पेशली किसान लोग उसका यूज करते हैं, ऑक्स का, जब वो खेतों में जाते हैं तो वो मट्टी कोड़ने के लिए प्लव, यानी कि प्लव द फील्ड, मतलब वो ऑक्स एज ए ट्रैक्टर का काम करते हैं. शीप वूल इज यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लोथ. और शीप का जो स्किन होता है, जो वूल्स होता है, स्किन रिमूव करके क्या बनता है? क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स. Some animals are friendly to you, some animals are afraid of you. कुछ एनिमल्स आपके बहुत फ्रेंडली होते हैं और कुछ एनिमल्स आपसे डर जाते हैं. अगर आप अच्छे भी वेव्स में जाओ तो भी सब डर जाते हैं. You too are afraid of some animals. और हम लोग भी कई एनिमल्स से डरे रहते हैं. Yes, of course, the animals which live in zoo and wild animals, we are afraid of that. Some animals are beautiful to look at. You like to touch some of them. Some do not allow you to touch them. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमको छूने का मन करता है लेकिन वो छूने नहीं देते हैं. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम अगर हम टच भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मोस्ट ऑफ देम फ्लाइंग. सम बर्ड्स आर लार्ज, सम आर टाइनी, सम बर्ड्स कैन सिंग टू. और हम लोगों ने देखा कई तरह के बर्ड्स भी होते हैं. कुछ उड़ सकते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे से होते हैं, और कुछ तो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं. Birds in the air, animals on the land, trees and plant around make the world lovely. चिड़िया हवा में रहती हैं, animals, animal, tree, plant हमारे अगल बगल है, animals धरती पे रहते हैं, तो ये सब मिल करके पूरा दुनिया कितना प्यारा बना रहा है, कितना रंगीन बना रहा है. करेक्ट. सम एनिमल्स आर kept as pet. Dogs and cat are most common pets. अब कुछ एनिमल्स अभी मैंने बताया आपको डोमेस्टिक टाइप में रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग काउ भी रखते हैं, कैट, डॉग, ऐसे हम लोग अपने घर में रखते हैं एज ए पेट एनिमल. दे लव एवरीबॉडी इन द हाउस. द पेट कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ अटेंशन. और जानवर हम बोल नहीं सकते लेकिन उनको अटेंशन की बहुत जरूरत होती है. वो बिना कुछ कहे हमको उनकी फीलिंग को समझना चाहिए. अटेंशन हमको अटेंशन जब देंगे तभी हम उनकी फीलिंग को समझ सकते हैं. बी काइंड टू द पेट्स. यू शुड बाथ देम, यू शुड फीड देम, दे कम अराउंड यू फॉर लव. और अगर आप पेट रखते हैं तो आप उनकी प्रॉपर केयर करिए.
वो आपके आगे पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि आप उनको लगता है कि आप ज्यादा उनसे अटैच है, वो ज्यादा आपसे अटैच है. डॉग्स एंड पपीज लिक यू, दे मेक लाइक टू प्ले विथ यू. और जब स्पेशली जब डॉग्स या कोई छोटा कुत्ते का बच्चा, पपी, कुत्ते का बच्चों क्या कहते हैं, पपी, वो जब बहुत खुश होते हैं तो वो लिक करते हैं, यानी कि आपको चाटते हैं. कैट हैंग अराउंड यू, दे केयर्स योर लेग्स विद देयर बॉडी, यू मे पिक देम, दे नीड अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, पेट्स लव यू, यू मस्ट लव ऑल्सो देम. और जब कैट्स होते हैं तो कैट्स आपके पैर के पास में बैठती है, वो सब बहुत ही अटैच होते हैं आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ हैं, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको फुल ऑन अटेंशन मिलती है, तो उनको लगता है कि हम बहुत ही सेफ हैं. एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गॉड क्रिएशन, यू मस्ट लर्न टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प देम. और एनिमल्स, बर्ड, जो भी है, जो भी दुनिया में चीज़ें बनी हुई है, वो सब किसकी बनाई हुई चीज़ें हैं? यस, करेक्ट, भगवान की. और भगवान की चीज़ों को बनाए हुए इतनी सुंदर चीज़ों को किसकी जिम्मेदारी है? उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अच्छे से रखना, ऑफ कोर्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को अच्छे से रखें, अच्छे से उनकी देखभाल करें. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स, वी शुड नेवर ट्रीट देम लाइक अ प्रिजनर और लाइक अ एंग्री पर्सन और लाइक अ एनिमी. वी शुड ट्रीट देम विद फुल लव एंड केयर. सो रीड दिस चैप्टर carefully, and whatever exercises are there, we will give in our next class.